आज के इस वीडियो में हम कुछ वर्ड पावर स्टडी करेंगे, कुछ सिनोनिम्स देखेंगे, कुछ अच्छे वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे। पहला वर्ड है आपका ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी को, किसी की बेइज्जती करना, किसी को इंसल्ट करना, है ना, किसी को, किसी का इंसल्ट करना, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिएट करना। सेकंड वर्ड है लेसन। लेसन का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। लेसन कैसे बना है? लेस से बना है। लेस मतलब कम। लेस किससे बना है? लेस क्या है? लेस लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है ना, लिटिल, लेस और लीस्ट, ये होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लिटिल मतलब कम, लेस मतलब उससे कम, लीस्ट मतलब सबसे कम। अब ये लेस, लेस में जब हमने ई एन ऐड किया है तो ये बना है लेसन। लेसन का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। बहुत सारे वर्ड ऐसे वर्ब बनते हैं जिसमें हम ई एन लगाते हैं तो वो वर्ब बनता है, जैसे ऐसे वाले। और क्या हो सकता है? जैसे शार्प, शार्प में ई एन लगाइए, बनेगा शार्पन। शार्पन मतलब तेज करना, किसी चीज को शार्प करना। जैसे हम पेंसिल शार्प करते हैं, कोई औजार शार्प करते हैं, चाकू शार्प करते हैं, तो उसको शार्पन बोलते हैं वर्ब को। या फिर हम ऐसे भी, दूसरा वर्ड है डार्क। डार्क में ई एन लगाइए, डार्केन, मतलब डार्क मतलब अंधेरा, और ई एन लगा दिया तो ये बन गया वर्ब। अभी ये है एडजेक्टिव, यहाँ पे ये शार्प, डार्क, लेस, ये एडजेक्टिव है। ई एन लगा रहे हैं तो ये वर्ब बन रहा है, शार्पन, डार्केन, है ना। डार्केन मतलब अंधेरा करना, और ज्यादा डार्क बनाना उसको, ओके, ठीक है। एक आध वर्ब आप बताइए जो इस तरीके से ई एन लगा के बनता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनकरेज। एनकरेज आप जानते हैं, एनकरेज का मतलब होता है किसी को, किसी को उत्साहित करना, है ना, किसी को बढ़ावा देना, उत्साहित करना ज्यादा अच्छा वर्ड है इसके लिए। उत्साहित करना, एनकरेज करना, ये बना कैसे? करेज, करेज मतलब होता है साहस। इसमें एन पहले लगा है। ऐसे भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें हम एन पहले लगाते हैं तो वो वर्ब बन जाता है। पहला एग्जांपल है ये एनकरेज। एनकरेज मतलब उसके साहस को और बढ़ाना, ठीक है। और क्या हो सकता है ऐसा वर्ड एनकरेज के बाद? जैसे एनलार्ज। लार्ज में, लार्ज मतलब बड़ा, है ना, इसमें एन लगाइए तो वो जगह एनलार्ज। एनलार्ज मतलब बड़ा करना, किसी फोटो को हम जूम करते हैं, एनलार्ज करते हैं, एनलार्ज करा के प्रिंट कराते हैं किसी का, है ना। एनलार्ज मतलब बड़ा करना, ये बन गया वर्ब। और ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है? ये विशेषता बता रहा है किसी की, लार्ज, लार्ज रूट है, लार्ज कोई ऐसी चीज है जो बड़ा है, है ना, तो ये विशेषता बताता है। एडजेक्टिव है जब वर्ब का काम कर रहा है तो ये वर्ब है, वे इनलार्ज कर रहा है, ओके। और क्या हो सकता है ऐसा? डेंजर। डेंजर में आप एन लगाइए तो बन गया एन डेंजर। डेंजर मतलब खतरा, और एन डेंजर मतलब खतरे में डालना। डोंट ऐसे यूज करते हैं, डोंट इन डेंजर योर लाइफ, अपने लाइफ को खतरे में मत डालो, ठीक है। एन डेंजर, डेंजर से एन लगा के ये वर्ब बन गया एन डेंजर। इस तरीके से वो वर्ब था एनकरेज। एनकरेज का मतलब था उत्साहित करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिड्यूस। रिड्यूस बहुत कॉमन वर्ड है, कम करना, है ना,
जो हम लेसन पढ़े थे वहां पे, लेसन मतलब कम करना, रिड्यूस मतलब कम करना, मिटिगेट मतलब कम करना, ठीक है। डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना, नफरत करना। लव का उल्टा है डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब नफरत करना। इसका एक और सिनोनिम है लोथ, लोथ मतलब भी घृणा करना, नफरत करना, ओके। डिक्लाइन, नेक्स्ट वर्ड है डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब झुका हुआ, है ना, डिक्लाइन मतलब झुका हुआ वैसे तो होता है, लेकिन डिक्लाइन जब वर्ब की तरह काम करता है तो डिक्लाइन का मतलब होता है इनकार करना, है ना, इनकार कर देना, रिफ्यूज कर देना। जैसे आई ऑफर्ड हिम अ बिग डील बट ही डिक्लाइंड, उसने रिफ्यूज कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, उसने स्वीकार नहीं किया उसको, ओके। तो डिक्लाइन का मतलब मना करना, इनकार करना। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, फ्यूटाइल मतलब यूजलेस। ओके, व्यर्थ, फ्यूटाइल एक्सरसाइज होता है। फ्यूटाइल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा एक्सरसाइज जो जिससे रिजल्ट नहीं आया, जिससे कोई परिणाम नहीं मिला, उसको बोलते हैं फ्यूटाइल एक्सरसाइज, ओके। ऑब्स्क्योर, नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, हिडन, गुप्त, है ना। ऑब्स्क्योर का मतलब छुपा हुआ, हिडन या गुप्त। हिंडर, हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना, बाधा डालना मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करना, क्या करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना किसी काम में, हम अगर बाधा डाल रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। हिंडर का नाउन होता है हिंड्रेंस, हिंडर वर्ब है आपका, हिंडर मतलब बाधा डालना। अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति प्रदान करना, सी है ये, है ना, सहमति प्रदान करना मतलब एग्री करना किसी चीज से, जब हम एग्री करते हैं, अप्रूव करते हैं किसी चीज को, तो उसको कहते हैं अकॉर्ड किया है। अकॉर्ड मतलब सहमति प्रदान करना, अपना परमिशन देना। कन्फाउंड, कन्फाउंड का मतलब होता है कंफ्यूज करना, मतलब भ्रमित करना। जब हम किसी चीज को कन्फाउंड कर रहे हैं, मतलब हम उसको कंफ्यूज कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। सरमाइज, सरमाइज का मतलब होता है अंदाजा लगाना, यानी कि गेस करना, गेस करना, अंदाजा लगाना, सरमाइज करना। ये वर्ड ऐसे हैं जो आपको डेली बेसिस पे यूज करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं अगर बोलने में यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिखने में यूज जरूर करना है, तभी ये आपको याद होंगे। वैसे ये रखने से बहुत मुश्किल होता है याद करना, याद होगा फिर भूल जाएंगे, याद होगा फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कहीं गेस की जगह सरमाइज वर्ड यूज किया, ठीक है, कन्फ्यूज की जगह कन्फाउंड वर्ड यूज किया, तो तब ये जाकर धीरे धीरे पक्का होगा आपका, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब क्या होता है, परप्लेक्स का मतलब भी होता है किसी को कंफ्यूज करना, भ्रमित करना। तो कंफ्यूज, कंफाउंड, परप्लेक्स, फ्लैबगास्टेड, ये सब वर्ड का मतलब है कंफ्यूज करना। डिफाइल, डिफाइल बहुत अच्छा वर्ड है। डिफाइल का मतलब होता है गंदा करना, है ना, गंदा करना। फाइल, फाइल क्या होता है, फाइल करते हैं ना हम अपने नाखून को, फाइल करते हैं, फाइलिंग करते हैं, मतलब उसको हम साफ सफाई करते हैं, उसकी, उसके गंदगियों को, उसके अंदर जमे हुए मैल को निकालते हैं, उसको ठीक शेप देते हैं, लेडीज करती हैं ऐसे ज्यादा, है ना, तो उसको फाइल करती हैं। और अगर डिफाइल कर दिया मतलब उसको गंदा कर दिया, कंटेमिनेट कर दिया, ओके।
क्वारलसम, क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू, जो झगड़ा करता है बहुत ज्यादा। क्वारल, क्वारल से बना हुआ है वो, क्वारल मतलब झगड़ा और क्वारलसम मतलब झगड़ालू। ओके, क्वारलसम बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसके पीछे सम लग के बने होते हैं, है ना। और कौन सा दूसरा वर्ड है सम लगा हुआ, जैसे होलसम। होलसम क्या होता है, होलसम मतलब कंप्लीट, जैसे मिल्क इज अ होलसम फूड। मिल्क एक ऐसा फूड है जिसमें बहुत सारे चीजें जो हैं वो उसमें होती हैं, कंप्लीट फूड कहते हैं उसको। तो होलसम मतलब जो होल है, अपने आप में संपूर्ण है, वैसे है। क्वालसम, होलसम, ऐसे बहुत सारे वर्ड। क्वाय, क्वाय का मतलब होता है शाई, शर्मीला। जो शर्मीला है उसे हम कहते हैं क्वाय, क्वाय मतलब शर्मीला। इंक्रीज तो बहुत कॉमन वर्ड है, इंक्रीज आप जानते हैं, इंक्रीज डिक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ना, बढ़ाना, है ना। कोई चीज इंक्रीज हो रही है मतलब वो बढ़ रहा है। अबहॉर, ए बी एच ओ आर, अबहॉर। अबहॉर अभी हमने पढ़ा था, डिटेस्ट हेट का सिनोनिम्स था, अबहॉर भी हेट का सिनोनिम है। अबहॉर का मतलब भी होता है घृणा करना, है ना। अबहॉर, हेट, डिटेस्ट और लोथ, ये चार वर्ड पढ़े हमने, चारों का मतलब होता है घृणा करना। तो धीरे धीरे ऐसे वर्ड्स को इकट्ठा करते जाना है, डिफरेंट वर्ड को यूज करना है, ताकि वो वर्ड्स आपके मेमोरी में धीरे धीरे बैठेगा। और लास्ट सिनोनिम है आज का एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेज करना किसी चीज को। तेज करना मतलब शार्प करना नहीं है, तेज करना मतलब फास्ट करना है। जैसे कोई इंक्वायरी है उसको एक्सपेडाइट करना है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया भैया 15 दिन के अंदर इसे रिपोर्ट डालिए, रिपोर्ट जमा कीजिए, है ना, सीबीआई को रिपोर्ट सबमिट करना है, 24 घंटे के अंदर करना है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेडाइट कर रहे हैं। जब हम किसी चीज को तेज कर देते हैं उसकी एक्टिविटी को, तो उसको एक्सपेडाइट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिनोनिम्स थे आज के। अब आते हैं हम ईडियम्स के ऊपर। ईडियम्स आप समझते हैं, ईडियम्स क्या होता है। ईडियम्स, ईडियम्स वैसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग उनके वर्ड के मीनिंग से कुछ अलग होता है, ठीक है। जैसे 9 2 11 होना, वैसे वर्ड का मीनिंग क्या, 9 और 2 11, ठीक है भाई, टोटल है 9 2 11, बट उसका मतलब होता है भाग जाना। हिंदी के ईडियम है ये, वैसे इंग्लिश के ईडियम्स होते हैं। जैसे पहला ईडियम पढ़ते हैं यहाँ पे, अच्छा इसमें ईडियम्स भी होगा कहीं कहीं और ये भी होगा, क्या कहते हैं, फ्रेजेस भी होंगे। फ्रेजेस क्या होता है, फ्रेजेस जिसका मीनिंग वही होता है, जो वर्ड का मीनिंग है लगभग वही मीनिंग कैरी कर रहा, तो वो फ्रेज है। जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ये फ्रेज है। और ईडियम्स उससे बिल्कुल अलग मीनिंग रखता है। पहला ईडियम है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब, क्राई मतलब आप जानते हैं रोना चिल्लाना, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा, शोरगुल। शोरगुल को कहते हैं। देयर वाज मच ह्यू एंड क्राई इन द मार्केट। ओके, बहुत शोरगुल था मार्केट में। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सारे सामान के साथ, सारे सामान के साथ। ही लेफ्ट द कंट्री बैग एंड बैगेज, मतलब वो अपने सारे सामान के साथ, बोरिया बिस्तरा के साथ कंट्री छोड़ के चला गया, ऐसा कहीं यूज होता है, तो हम बैग एंड बैगेज यूज करते हैं। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न अंग। अभिन्न अंग का मतलब होता है इंडिस्पेंसेबल पार्ट उसका, जिसको कि हम अवॉइड, जिसको कि हम अलग नहीं कर सकते उससे। जैसे सुख दुख जो है वो लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, मतलब सुख और दुख को हम निकाल नहीं पाएंगे लाइफ से, रहेगा वो, आएगा जाएगा, है ना। अप्स एंड डाउन्स लाइफ के अंदर, ये पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है। स्ट्रगल लाइफ के अंदर पार्ट एंड पार्सल है। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है उसका अभिन्न अंग है, वो उससे अलग नहीं कर सकते हम। इफ्स एंड बट्स, इफ्स एंड बट्स का मतलब होता है अगर मगर। जैसे इफ यू हैव टू सक्सीड यू विल हैव टू वर्क, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। अगर आपको सफल होना है
तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, मतलब कोई अगर मगर नहीं है कि अगर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या हम सक्सीड हो जाएंगे। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स, है तो है, कोई अगर मगर इसके अंदर नहीं है। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है उसका सारांश, उसका पूर्ण विवरण, उसका पूर्ण विवरण, किसी चीज का पूरा डिटेल, किसी चीज का इन अंदर की सारी बातें और बाहर की सारी बातें जब होती है किसी रिपोर्ट में, किसी स्टेटमेंट में, किसी समरी में, तो हम कहते हैं उसको कि ये इसका इन्स एंड आउट्स है, मतलब पूरा डिटेल है उसका, पूर्ण विवरण है उसका। स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन बोलते हैं बिल्कुल नया, बिल्कुल जो बिल्कुल बेदाग है, है ना, कोई नई कार आई है अभी शोरूम से जस्ट निकल के आ रहा है, द कार इज स्पिक एंड स्पैन, बिल्कुल चमकता हुआ, कोई स्क्रेच तक नहीं है इसको, कुछ तो उसे कहते हैं स्पिक एंड स्पैन, बेदाग, चमकता हुआ, बिल्कुल नया। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ का मतलब होता है कलहपूर्ण जीवन, कुत्ते और बिल्ली का लाइफ जैसा होता है ना, आपस में लड़ते रहना है ना, तो इस तरीके की कोई लाइफ होती है तो उसे हम कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर बाउंड टू लीव कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, ऐसे यूज करते हैं इसको। बहुत सारे लोग हैं जो मजबूर हैं कलहपूर्ण जीवन जीने के लिए, मतलब कैट्स एंड डॉग्स लाइफ को जीने के लिए। इन अ डायलेमा, इन अ डायलेमा का मतलब होता है दुविधा में, दुविधा में, डायलेमा मतलब दुविधा, क्या करें क्या ना करें, हाँ इसकी तैयारी करें उसकी तैयारी करें, बिजनेस करें कि नौकरी करें, ये वाला जॉब ज्वाइन करें कि ये वाला ज्वाइन करें, दो ऑफर साथ में आए हुए हैं तो ये डायलेमा है, ठीक है। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा। एट एट लेंथ, एट लेंथ का मतलब होता है अंततः, अंत में, फाइनली, फाइनली, एट लेंथ यू विल हैव टू रिपेंट, है ना, कभी हम ऐसा कहते हैं बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा अगर ऐसा करते रहोगे तो। एट लेंथ ही रिपेंटेड, अंततः वह पछताया, ठीक है, तो एट लेंथ मतलब अंत में, फाइनली। पब्लिक हाउस, पब्लिक हाउस का मतलब होता है शराब खाना, शराब खाना मतलब जहां पे शराब बिकता है ना, पब्लिक हाउस उसे कहते हैं, पब्लिक हाउस, मैं खाना है। नेक्स्ट क्या आइडियम आपका, टू बी इन गुड बुक्स ऑफ, टू बी इन गुड बुक्स ऑफ, टू बी इन गुड बुक्स ऑफ का मतलब होता है किसी की नजर में अच्छा होना, जैसे एवरी एम्प्लॉय वॉन्ट्स टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ हिज बॉस, हर एम्प्लॉय चाहता है कि अपने बॉस के गुड बुक में रहे, वो यूज करना भी आना चाहिए आपको, टू बी इन गुड बुक्स ऑफ, जैसे एवरी स्टूडेंट वॉन्ट्स टू बी इन गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर, हर स्टूडेंट चाहता है कि वो अपने टीचर के गुड बुक में रहे, है ना, इसका अपोजिट है टू बी इन द बैड बुक्स ऑफ, टू बी इन द बैड बुक्स ऑफ, किसी की नजर में अच्छा नहीं होना, है ना, नो वन वॉन्ट्स टू बी इन द बैड बुक्स ऑफ हिज पेरेंट्स, टीचर्स, बॉस, सोसाइटी, फ्रेंड्स, कहीं भी, है ना, कोई नहीं चाहता है कि हम किसी की नजर में बुरे रहे। टू ब्रिंग टू बुक, नेक्स्ट आइडियम है टू ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है दंड देना। अब देखो यहां पे ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं से दंड देने वाली कोई मीनिंग आ रही है, क्यों, क्योंकि ये आइडियम है, क्या कुछ रहा है मीनिंग कुछ और आ रही है इसका। बुक यहाँ पे, बुक का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, किसी को कॉन्स्टिट्यूशन तक लाना, मतलब उसके संविधान तक, उसके न्याय व्यवस्था तक लेके आना, उसको दंड देना अगर उसने कोई गलती की है तो। टू ब्रिंग टू बुक, दंड देना। पास्ट मास्टर, पास्ट मास्टर का मतलब होता है निपुण, निपुण, एक्सपर्ट, कोई अगर किसी कला में पास्ट मास्टर है दैट मीन्स वो निपुण है, एक्सपर्ट है वो। नेक्स्ट आइडियम क्या था आपका, टू लाफ इन
वंस स्लीप्स, टू लाफ इन वंस स्लीप्स, लाफ मतलब हंसना और स्लीप्स मतलब शर्ट का ये पार्ट जो होता है उसको स्लीव्स कहते हैं। ये हाफ स्लीव शर्ट मैंने पहनी हुई है अभी, फुल स्लीव शर्ट भी होता है और स्लीवलेस कपड़े भी होते हैं, है ना। तो स्लीव, अगर कोई अपने स्लीव में हंस रहा है दैट मीन्स ऐसे हंस रहा है, मतलब छुप के हंस रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं टू लाफ इन वन स्लीव्स, छुप कर हंसना। दैट मीन्स इफ यू आर नॉट अलाउड इवन टू लाफ इन स्लीव्स वाइल इन क्लास, है ना, आपको हंसने की आजादी नहीं है वहां पे क्लास में। टू थ्रो अप स्पॉन्ज, टू थ्रो अप स्पॉन्ज का मतलब होता है हार स्वीकार कर लेना, मतलब फेंक देना अपने चीज स्पॉन्ज, वो स्पॉन्ज या यहाँ पे गॉन्टलेट भी आता है, गॉन्टलेट भी ये वर्ड आता है, टू थ्रो अप गॉन्टलेट, अपने गॉन्टलेट को, अपने तौलिये वैलियो को फेंक देना, अरे मुझे नहीं लड़ना, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, हार स्वीकार कर लेना इसको कहते हैं, हार मान लेना। सम एंड सबस्टांस, नेक्स्ट इडियम है सम एंड सबस्टांस, सम एंड सबस्टांस मतलब होता है सारांश, जैसे द सम एंड सबस्टांस ऑफ द केस इज दिस, मतलब पूरे केस का सम एंड सबस्टांस ये है, है ना, मतलब सारांश उसका ये है। सारांश के लिए कॉल आइटम है इन अ नट सेल, इन अ नट सेल मतलब इसको कहते हैं सारांश में, इन अ नट सेल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन अ नट सेल, मतलब मैं सारांश में आपको बताने जा रहा हूँ सारी चीजें। प्रॉस एंड कॉन्स मतलब उसके पक्ष और विपक्ष की बात है, उसकी अच्छाइयां और बुराइयां, अच्छाइयां और बुराइयां, हर चीज की अच्छाइयां और बुराइयां होती है, है ना, तो उसके प्रॉन्स क्या है, उसके कॉन्स क्या है, मतलब उसकी पॉजिटिव चीजें क्या है, उसकी निगेटिव चीजें क्या है, उसे कहते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स। नेक्स्ट रीजन क्या है आपका, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, जब बहुत तेज बारिश होती है तो उसे कहते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, है ना, बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसको हिंदी में मूसलाधार बारिश कहते हैं। तो ये आपके कुछ सिनोनिम्स थे, वर्ड पावर थे, और कुछ इडियम्स थे जो मैंने एक्सप्लेन किया। ओडब्ल्यूएस मैं आपको अगले क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।